हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज हम देखने वाले संतरामपुर सिटी का हवा महल, जो कि बहुत ही पुराना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही पुराने पेड़ है, और यहाँ पे ये इसका बहुत ही पुराना गेट है। देख सकते हो आप पीछे, ये इसका गेट है पुराना। और ये रास्ता अभी बनाया गया है, थोड़ा सा ही बनाया है, और गेट के आगे से कच्चा रास्ता। गाइज, आप देख सकते हो यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू होता है, तो भी देखते हैं आगे जाके। तो गाइज, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये बहुत ही पुरानी सड़क है, और यहाँ पे ये पूरा पहाड़ काट के रास्ता निकाला गया है महल की तरफ जाने के लिए। तो गाइज, ये महल गुजरात राज्य के महिसागर जिले के संतरामपुर शहर में आया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही आलीशान महल है, बहुत ही पुराना महल है, आप देख सकते हो। तो गाइज, आप देख सकते हो ये महल का मेन गेट है, और ये कितना सुंदर है आप देख सकते हो। और यहाँ से ये रास्ता जाता है नगर की तरफ। अभी ये बहुत ही पुराना हो चुका है, फिर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है कि जो सैनिक थे वो खड़े रहते होंगे, आप देख सकते हो वहाँ पे, और यहाँ पे। तो अभी हम आपको जो ये महल दिखाने वाले हैं, और ये महल है उसी के टाइम में ये कॉलेज थी। मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर यहाँ के लोग ऐसे बता रहे हैं कि ये कॉलेज थी। और जो हवा महल वो ऊपर की साइड बनाया गया है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर और हवा महल है, और यहाँ पे ये कॉलेज बनाई हुई थी तब उसी के टाइम में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके। तो आप पीछे देख सकते हो आलीशान महल, जो कि उसी के टाइम में ये कॉलेज हुआ करती थी। देखते हैं ऐसी कॉलेज कहाँ होंगी। यहाँ के राजा जलांग सिंह मलावराज ने संत की स्थापना 1255 में की गई थी, और अभी ये संतरामपुर के नाम से जाना जाता है। संत की स्थापना हुई थी तब ये महल बनाया गया था, आप देख सकते हो बहुत ही पुराना हो चुका है। और यहाँ पे कोई मूवी भी शूट की गई थी। जेल जैसा है, पर कोई आइडिया नहीं हमको। और ये मुझे तो ये बढ़िया लगा, पूरा पत्थर का बनाया हुआ है, और अभी भी ये टिका हुआ है, एकदम पूरा पत्थर का है। महल का मेन गेट है अंदर जाने के लिए, और ये पूरा ग्राउंड है। यहाँ दरवाजा देख सकते हो कितना बड़ा है, और यहाँ पे भी पत्थर से बनाया हुआ है ये सब कुछ। यहाँ पे रहते होंगे महाराजा, और यहाँ पे रहती होगी प्रजा।
गाइज अभी हम जाएंगे हवा महल जो कि पहाड़ी पे है और वहाँ पे शिव जी का बहुत ही पुराना उसी टाइम का मंदिर भी है, तो वो व्लॉग आएगा पार्ट टू में, तो जुड़े रहिए पार्ट टू के लिए।